तो फाइलिक कक्षा अच्छा आठ के विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट को देखते हुए मैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र हज़ार के अंतर्गत हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं शो करूं। उससे पहले मैं क्लास एट के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर आइकन को दबा ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन पेपर शो कर देता हूं तो देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सात दो हज़ार इक्कीस के अंतर्गत कक्षा आठ के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको ढाई घंटे का समय दिया गया है टोटल पूर्णांक आपका हंड्रेड है और अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी को यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा देखिए नोट है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है इसके बाद आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर आपको एक ऊपर गद्यांश दिखाई दे रहा है उसके बाद अथवा करके एक दूसरा गद्यांश दिखाई दे रहा है इन दोनों गद्यांशों में से केवल एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है ठीक है इसके बाद तो आपका देख सकते हैं दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है इसमें जो है आपको कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर भी आपको दो पद्यांश देखने को मिल रहा है एक ऊपर दिया है और दूसरा अथवा करके दिया है तो इन दोनों में से केवल एक पद्यांश का आपको संदर्भ के साथ ही जो है व्याख्या करना है ठीक है इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वही स्टार्ट हो रहा है क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन का उत्तर लिखिए तो यहाँ पर आपको देखिए क ख ग घ इस तरह से चार प्रश्न दिखाई दे रहा है लेकिन केवल तीन ही प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है इसमें देखिए जो घ वाला प्रश्न है वह कह रहा है कि शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने सोचा कि आपको यह क्वेश्चन पढ़कर स्पष्ट कर दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर अंगा वाला प्रश्न है च वाला प्रश्न है ठीक है इन्हें आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो फोर है कह रहा है कि संस्कृत का हिंद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कीजिए या नीचे जो आपको संस्कृत में दिखाई दे रहा है गद्यांश इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए छठा आपका प्रश्न है महान व्यक्तित्व पाठ्य पुस्तक से पढ़े हुए किसी एक पाठ का सारांश लिखिए और सातवां है आपका यहाँ पर देख सकते हैं मुनिया धेनु में से किसी एक शब्द का रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों को लिखिए इसके बाद दृश्य जैसे कि पश्य भी बोला जाता है देख देखना धातु या सथा तृष्ठा ठहरना धातु का लट लकार वर्तमान काल में तीनों पुरुष व वचन में लिखी है ठीक है इसके बाद आपका नवा प्रश्न है किसी एक विषय पर आपको संक्षिप्त निबंध लिखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं चार आपको दिया गया यहाँ पर चार विषय किसी एक विषय पर आपको संक्षिप्त में निबंध लिखना है तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा अच्छा, आठ के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम सत्रह हज़ार इक्कीस बाईस के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से मैंने शो किया कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो